हेलो एवरीवन, आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 2 रुपये 70 पैसे के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है बैंकरप्सी को लेकर वीडियोकॉन में। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियोकॉन की अगर मैं बात करूँ तो देखो, पिछले 1 हफ्ते का अगर मैं इसका डेटा निकालूँ तो पिछले 1 हफ्ते में वीडियोकॉन के शेयर्स में 6% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। 2.67 रुपीज़ का लो बना है और 2.89 रुपीज़ तक का हाई ये शेयर बना चुका है। 1 महीने की बात करें तो वीडियोकॉन में 1 महीने में 18% से भी ज़्यादा की गिरावट है। आप चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कंटिन्यूस नीचे आ रहा था, फिर थोड़ी सी अपर सर्किट लगी लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस नीचे गया। बीच बीच में इसने अपर सर्किट लगाई है लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, अगेन से वो गिर रहा है। इसके लो की बात करें तो 2.67 रुपीज़ का लो है और 3.79 रुपीज़ तक का ये हाई बना चुका था। 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में वीडियोकॉन में 80% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, 2.02, 2 रुपये और 2 पैसे तक का ये लो बना चुका है और हाई बनाया है 15 रुपये 10 पैसे का, ये हाई बना चुका था। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में वीडियोकॉन में 97% से भी ज़्यादा की गिरावट है। देखिए, 107 रुपये, 107 यहाँ से गिरावट आई थी, शार्प फॉल आपको देखने को मिल रहा है। बीच में बाउंस बैक किया लेकिन फिर भी गिर गया, फिर से बाउंस बैक किया फिर भी गिर गया। देखिए, यहाँ पर आपको दो बड़े बड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं बाउंस बैक वाले, लेकिन फिर भी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है ये। 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में वीडियोकॉन के शेयर में 97% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 290 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। देखिए, 290 रुपये के आसपास भी ये शेयर ट्रेड कर रहा था और चार्ट अब देखिए, गिरावट के बाद बाउंस बैक ये शेयर जरूर करता था, लेकिन लेकिन यहाँ 2017 से जो इसमें गिरावट आई है कि इसको संभलने तक का भी मौका नहीं मिला है और आज हालत यहाँ तक पहुंच गई है कि शेयर बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। और बात करेंगे हम इसके तो 89 करोड़ का ही मार्केट कैप रह गया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ इंडस्ट्रीज है, सिर्फ 89 करोड़ का मार्केट कैप है। 89 करोड़ माइक्रो कैप स्टॉक है, माइक्रो कैप स्टॉक है, सिर्फ 89 करोड़ का मार्केट कैप। एनएससी में बात करेंगे तो वॉल्यूम ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, हाल फिलहाल वॉल्यूम इसका ट्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि बैंकरप्सी की तरफ जा चुका है ये शेयर। और बात करेंगे हम इसके तो नेट सेल्स बहुत ही बुरे हैं, हालांकि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में 12 12.5% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन जो हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो हर क्वार्टर में हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। दिसंबर 2017 में 1270 करोड़ का नुकसान था, सितंबर 2018 में 1225 करोड़ का नुकसान था और दिसंबर 2018 में 1023 करोड़ का नुकसान था। तो बहुत ही बुरी हालत हाल फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है इसकी। और शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 40.68% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.84% की होल्डिंग है और सरप्राइजिंगली म्यूचुअल फंड तो हालांकि इन्वेस्टेड नहीं है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 5.43% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 41.13% की होल्डिंग है, अदर्स के पास 11.61% की होल्डिंग है, अदर डीएस के पास 0.31% की होल्डिंग है और प्रमोटर्स की जो 40.68% की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कहेंगे कि सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है तो भी गलत नहीं होगा। 98.62% की प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी रखी हुई है और आप देख सकते हैं कि 44 FIs इसमें इन्वेस्टेड है, 44 FIs अभी भी इसमें इन्वेस्टेड है और डिविडेंड तो 2015 से इसने देना बंद कर दिया है। 2015 से ये शायद डिविडेंड नहीं दे रहा है। और जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि वीडियोकॉन बैंकरप्सी, द क्रेडिटर स्टैंड टू लूज ओवर 90,000 करोड़। 90,000 करोड़, दिस वुड मेक वीडियोकॉन द बिगेस्ट कॉर्पोरेट बैंकरप्सी केस इन इंडियाज बैंकिंग हिस्ट्री। इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ा बैंकरप्सी केस शायद ये हो सकता है। देखिए, द वेणुगोपाल धुत प्रमोटेड वीडियोकॉन ग्रुप ओन्स ओवर 90,000 करोड़ टू द वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो 90,000 करोड़ उन्होंने अलग अलग पब्लिक और प्राइवेट बैंक से लिए हुए हैं।
दिस वुड मेक वीडियोकॉन अ बिगेस्ट बैंकरप्सी केस इन इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, तो ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज VIL एंड द वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन VTL, द टू मेन ग्रुप कंपनीज ओन आर लैंडर्स लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में 59,451 करोड़ का पैसा इनका बाकी है, और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन का 673 करोड़ का इनका कर्जा है। तो टोटल इन दोनों का मिला के होता है 86,125 करोड़, दोनों का मिला के, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन का मिला के सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही 86,000 करोड़। द VIL ओल्स 54 creditors विथ SBI क्लेम द हाइएस्ट रुपीज 11,175 करोड़। मीन वाई द VTL ओन 34 lenders, द बिगेस्ट अगेन बींग SBI एस 4,605 करोड़। तो देखिए बहुत ही ज्यादा कर्जा है इनका बैंकों पे, और सबसे बड़ा कर्जदार इन जो पैसा इन्होंने लिया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। और दूसरी बात है कि अपार्ट फ्रॉम द बैंक 731 अदर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ऑल्सो मेड क्लेम वर्थ रुपीज 3,111 करोड़। तो VIL एंड VIL मतलब वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज एंड रुपीज 1,267 करोड़ टू VTL वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। तो उनका टोटल मिला के अभी टोटल हो रहा है 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ का इनका कर्जा है, कर्जा इनके ऊपर बहुत है, और इसीलिए ये जा रहे हैं बैंकरप्सी की तरफ, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं और कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा। सोचिए इनका मार्केट कैप 90 करोड़ का भी मार्केट कैप इनका नहीं है और 90,000 करोड़ का इनका कर्जा है। द ग्रुप प्रमोटर्स वेणुगोपाल प्रदीप कुमार एंड राजकुमार दूत हैव द फाइल सेपरेट क्लेम्स ऑफ 57,825 करोड़ फॉर पर्सनल गारंटी दे प्रोवाइडेड VIL फॉर वेरियस फैसिलिटी अंडर VTL। तो काफी ज्यादा कर्जा इनके ऊपर लगा हुआ है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इन इंडिया दिस विल बी द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंकरप्सी इन इंडिया मे हैव वाइल्डेस्ट रेंज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा इफेक्ट आपको पढ़ने को मिल सकता है। द कंपनी ऑल्सो वॉज सेंट टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यून NCLT में गया था 2018 में बाय SBI आफ्टर दूट डिफॉल्टर टू टू अदर लोन्स। तो वेणुगोपाल जो इनके प्रमोटर्स है वीडियोकॉन, उन्होंने डिफॉल्टर किया था, तो 2018 में ही SBI चला गया था NCLT में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज बीन सस्पेंडेड एंड रिसोल्यूशन प्रोफेशनल RP हैज बीन अपॉइंटेड टू रन कंपनीज डेली ऑपरेशनल। तो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के जो थे वो सस्पेंड हालांकि कर दिए गए थे और कंपनी को चला रहे थे जो उनके डेली ऑपरेशनल थे, जिनको अपॉइंट किया गया था रिसोल्यूशन प्रोफेशनल RP को, तो उनको अपॉइंट किया था और वो ही इस कंपनी को रन कर रहे थे। और जो काफी सारी जो दिक्कत चल रही थी ICICI बैंक को भी लेकर, तो वो भी सब यहाँ पर इसको ले डूब रहे हैं अभी। तो अभी बात करें वीडियोकॉन में, तो देखिए अभी भी आई डोंट नो क्यों, लेकिन 50% बाइंग रिकमेंडेशन है, 50% होल्ड है, कोई भी नहीं बोल रहा है कि बेच के निकल जाइए, कोई नहीं है इसमें। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वीडियोकॉन का, अगर मैं फाइनेंशियल तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, म्यूचुअल फंड कोई भी इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, तो थोड़ी बहुत समझदारी जरूर है। हालांकि इसमें इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा होल्डिंग बना के बैठी है, 5.43% की हो जो स्टेक है वो इंश्योरेंस कंपनी का है, इंश्योरेंस कंपनी का, वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा जरूर करेगी इनके लिए। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि खरीदारी करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी बैंकरप्सी की तरफ गया, बैंकरप्सी की तरफ कंपनी गया है, और जो अपॉइंटेड किया गया है कंपनी को चलाने के लिए, मतलब कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, कंपनी का जो भी उसमें होगा उसको बेचा जाएगा, और बेच के जो सबसे और बेच के जो पैसा आएगा वो पैसा अलग अलग लेंडर्स को दिया जाएगा, जिसमें SBI शामिल है और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो भी इसमें होंगे। तो हाल फिलहाल में अगर पैसा किसी को मिलेगा तो पहले ऑपरेटर्स को मिलेगा, बैंक्स को मिलेगा, तो सबसे लास्ट में अगर किसी को पैसा मिलेगा वो है शेयर होल्डर्स। तो उनके पास उतना जो बेचने बेच का जितना पैसा निकलेगा, तो 90,000 करोड़ तो कभी भी नहीं निकलने वाला है।
तो बहुत ही कम पैसा निकलेगा, तो सारा का सारा इवन बैंक का ही पैसा यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर तो अभी होता क्या है इसमें, जो प्रमो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसको न्यूज़ लगाते हैं कि ये शर्ट काफ़ी बड़ा चल जाएगा, इसमें खरीदारी कर लीजिए, आपको फायदा होगा, और इसी की वजह से शेयर्स में तेजी आती है, लोग खरीदारी कर लेते हैं, और फिर बाद में एक लेवल आने के बाद जब शेयर गिरना स्टार्ट होता है और बैंकरप्सी की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और शेयर जब गिरता है तो आप यहां से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं यही कहूंगा कि हाल फिलहाल इसमें ना ही पड़े तो बेहतर होगा। हाल फिलहाल वीडियोकॉन में छोटा शेयर समझ के अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो गए तो फिर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स मैं इसमें खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आगे मर्जी आपकी है कि आपको क्या करना चाहिए। और अगेन मैं कहना चाहता हूं आपको कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है बाइंग इसके रिगार्डिंग, तो एटलीस्ट आप एक बार अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।